रोल है रोल देखिए, पिछले कई साल से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे पोल्यूशन फ्री मुंबई हो और एनवायरनमेंट को लेके पूरे देश में काफ़ी जागरूकता पिछले कई सालों से लोगों के अंदर आई है, लेकिन आज हमने मैंग्रोव सेव मैंग्रोव करके एक ड्राइव का मुंबई में शुरुआत कर रहे हैं। मैंग्रोव आप सबको पता है कि काफ़ी एक महत्वपूर्ण विषय है मुंबई के लिए, और जब मुंबई में इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो मैंग्रोव को बचाना, और आज बहुत से लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि मैंग्रोव को काट के लैंड का इंक्रोचमेंट हो रहा है और वहाँ पर इलीगल तरह के कंस्ट्रक्शन और झोपड़ों को बना के लोगों को बेचे जा रहे हैं। तो आज हमारी जागरूकता ये बहुत ज़रूरी है एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन और एज अ पॉलिटिकल सोशल वर्कर ऑल्सो, कि इसके प्रति एक मुहिम चालू करें। और एक आज यहाँ पे वर्सोवा में मैंग्रोव के काफ़ी बड़े इश्यूज हैं, और मलाड का ये एक ऐसा पट्टा है मुंबई का जहाँ पे एक बहुत ही मैंग्रोव की समस्या है। तो यहाँ के रेजिडेंट के साथ और हमारी सेलिब्रिटी सब यहाँ पे हैं, उनके साथ एक सेव मैंग्रोव करके ड्राइव की शुरुआत हम यहाँ पे आज कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि पिछले 2 वर्षों में जो कोस्टल रोड का काम चालू हो रहा है मुंबई में, उसमें जो CRZ की लाइन है उसको सेंटर गवर्नमेंट और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने उसको हटाई नहीं, उसको वहीं पे रखी है CRZ की लाइन को, जिसके कारण जो कोस्टल रोड और मुंबई के तट के किनारे जो बीच की लैंड बचेगी, बीच की जगह बचेगी, वहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट ग्रीन जोन बनाया जाएगा। तो सरकार का पूरा प्रयास है कि ग्रीनरी को वैसे ही बरकरार मुंबई की रखें, साथ ही साथ एज अ सिटीज़न मैंग्रोव को काटने के जो लोग काम कर रहे हैं उसके खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। हमारी महाराष्ट्र सरकार से ये निवेदन रहेगा कि एक हेल्पलाइन नंबर महाराष्ट्र में BMC मुंबई में चालू करे, जो भी मैंग्रोव को काटने के प्रति काम करेगा उसकी कोई भी कंप्लेंट ऑनलाइन तुरंत वहाँ पर रजिस्टर हो, उसके केस खिलाफ कार्रवाई चालू हो। ये प्रयास में एक छोटा सी पहल आज हमने शुरुआत की, और मेरा ऐसा मानना है ये पहल के साथ वर्सोवा में आने वाले समय में ये इस विषय को बहुत ही गहराई से लेंगे और इसके प्रति सेव मैंग्रोव के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। आपने देखा मैं वेरी फ्रेंकली मोहित सर, आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस नॉट, मतलब जितना मैंने सुना है वो ड्रग्स वगैरह भी होता रहता है यहाँ पर, तो ये दिस इज़ अ सीरियस इशू हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए भी। तो एज ए सिटीजन मेरा ये हक बनता है, मैंगोज बहुत खा लिए, अब मैंग्रोव बचाते हैं। सर, आम जनता के लिए आप कुछ मैसेज दीजिए आज इस महान दिन पर कि हम कैसे सेव करें अपने पर्यावरण को। शायद गाड़ियाँ भी कम अगर यूज करें हम तो उसे बहुत ही सेफ रख सकते हैं हम अपने पर्यावरण को, प्लास्टिक का यूज। आप एक अच्छा मैसेज दीजिए सर हमारे यूथ को, आप पूरे समाज। मेरा ऐसा मानना है कि पिछले कई वर्षों में जिस हिसाब से मुंबई का पॉपुलेशन बढ़ी है और ट्रांसपोर्टेशन को लेके सरकार ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की, जिसके कारण मुंबई आज इतनी जैम सिटी और लोगों को आज ट्रांसपोर्टेशन में इतनी दिक्कत हो रही है। देखिए, लोगों को मैसेज हम देंगे, लेकिन मेरा एक बहुत स्पष्ट मानना है कि पिछले 3 वर्षों में चाहे मेट्रो का एक्सटेंशन, लोकल रेलवे का, जिस हिसाब से 70 लाख लोग रोज़ ट्रैवल करते थे उसकी कैपेसिटी बढ़ा के 1.25 करोड़ कर रही है अभी सरकार। 1 करोड़ लोग रोज मेट्रो के अंदर ट्रेवल कर पाएंगे, कोस्टल रोड का काम है। जब आज ट्रांसपोर्टेशन मुंबई का जो सरकारी ट्रांसपोर्टेशन जितना अच्छा एफिशिएंट होगा, लोग अपनी गाड़ी से कम ट्रेवल करेंगे और वो मेट्रो और रेलवे और बस को यूटिलाइज करेंगे। आज BST बस को भी चेंज करके आज CNG और गैस के ऊपर इसकी बात चालू है, इलेक्ट्रिक बस की बात चालू है। BST आज म्यूनसिपैलिटी उसके ऊपर टेंडर के ऊपर काम कर रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा देना ये सरकार का काम है, उससे एनवायरमेंट अच्छा रहेगा। प्लास्टिक फ्री हो उसके प्रति सबकी है, पिछले 1.5 साल से प्लास्टिक को बैन करने के बाद लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है एनवायरनमेंट के प्रति। आज एनवायरनमेंट के साथ साथ खुद को भी हेल्दी रखना, लेकिन हेल्दी जब रखेगा बाहर वॉक करने को जाओगे तो आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहेगा। तो लोगों को लगता है कि आज कंपेयर करते जब इंटरनेशनल सिटी से तो मुंबई को बहुत पोल्यूटेड माना जाता है कि रोड पर वॉक करेंगे तो धुआं इतना आता है कि उसके कारण आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। आज अलग अलग तरह की एलर्जीज ऐसी हैं कि जो बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज़ को विद इन 2 ईयर्स 3 ईयर्स, चाहे वो पिजन के कारण, ऐसे एनवायरनमेंट में काफ़ी इश्यूज हैं जो लोगों को फेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो अभियान है, जागरूकता है, इसके कारण मुझे लगता है आने वाले समय में सरकार जिस हिसाब से प्लास्टिक के प्रति, ट्रांसपोर्टेशन के प्रति, गार्डन्स को सेव रखें और नए गार्डन्स बनाएं, उनका इंक्रोचमेंट कम हो कि लोगों, बच्चे उसमें आगे खेल सके, उसमें ट्री प्लांटेशन ज़्यादा हो,
ये काम चालू है और 2-3 साल के अंदर काफी मुंबई को आप नया मुंबई करके आपको चेंज होके नजर आएगा। I think it's a great initiative, and I'm very happy that you know they are doing this for us, because it's obviously jitna hamare around greens rahega it's better for us also. So I think it's great, yeah. I think they're doing a very very good job, and we should all be supportive of it. And here we are because we support the initiative, and that's why we are here to make sure that it goes through, and it goes through very well. नमस्कार जी, मोहित जी आपने बहुत अच्छी बातें बोली हैं। एक चीज़ मैं यूथ और जो हम लोग हैं यहाँ पे वर्सोवा और लोखंड वाला, एक चीज़ सिर्फ आपसे मैं चाहता हूँ कि इनिशिएटिव अगर आप करवाएं तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ये प्रण ले लें कि जो टू व्हीलर खरीदता है उसको कम से कम 2 पेड़ लगाए तो 2 व्हीलर मिले, और जो 4 व्हीलर खरीदता है उसको कम से कम 4 पेड़ लगाए तो उनको 4 व्हीलर का लाइसेंस या उनको रजिस्ट्रेशन नहीं। लेकिन भैया आप 4 पहिए की गाड़ी ले रहे हैं तो 4 पेड़ तो लगा दीजिए। तो मेरे ख्याल से जैसे आपने कहा कि बहुत सारी गाड़ियां आ रही है तो उस हिसाब से बहुत सारे पेड़ भी लग जाएंगे, तो डेफिनेटली पर्यावरण को कुछ ना कुछ वैसा गुड आइडिया। अली के पीछे बजरंग बली ना लेनी चाहिए कि जितने आप इंस्टाग्राम के पिक्चर्स लगाते हो ना उतने पेड़ लगाने चाहिए, तो पेड़ ही पेड़ ही पेड़ होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग एक्टर्स स्क्रीन पे देखा होगा या टेलीविजन सीरियल्स में देखे होंगे, लेकिन इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी आल्सो टू टेक ऑन सम सोशल डेफिनेटली, एंड आई डेफिनेटली फील फॉर दिस क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि एक दिन वो उठे और कहे कि मामा पेड़ क्या होता है। You know, yes. They have to see trees. Yes. They have to see things like this. Just and, like they don't know sparrows are anymore. Yeah, they don't know. मेरे बच्चे नहीं पता कि sparrows क्या होते हैं. You know, वो छोटा है. They what mama only crows. So you have to take on some social service. You have to do something. Because we can't say कि सब government करे ना. Yeah. Right. कुछ yes. तो सबसे पहले तो attitude. See, देखिए मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि लोग कैसे हैं. जब यू नो बहुत सारे ऑफिसेज हैं जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिसेज हैं, सेकंड फ्लोर पे बैंक्स वगैरह है, तो वहाँ पे कॉर्नर जो होता है ना वहाँ पर, तो लोगों की हैबिट है वो पान वान खा करके वो लोग स्पिट करते हैं। तो बहुत सी जगह क्या होते हैं कि बिल्डिंग वाली जो है ना वो भगवान के, अल्लाह, राम, जीजस, ये सब चर्च मंदिर के फोटोग्राफ्स रखते ताकि वो लोग वहाँ पे स्पिट ना करें। तो लोग इतने ओवर स्मार्ट है कि वो फोटोग्राफ छोड़ के बाजू में स्पिट करते पर स्पिट करना नहीं छोड़ते। तो इसमें सबसे पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा लोगों को, उसके बाद कम से कम सिविक सेंस होना चाहिए। वो सिविक सेंस जो जब कोई आपको देख नहीं रहा हो आप क्या कर सकते हो आपके देश के लिए। मैं अपने बच्चों को हमेशा सिखाती हूँ कि जो भी प्लास्टिक घर में आता है हम लोग रीयूज कर रहे हैं। इनफैक्ट आई डोंट यूज प्लास्टिक ऑन माय ओन, लेकिन अक्सर यू नो हमें कुछ मिलता है प्लास्टिक कंटेनर में, कंटेनर मिलते हैं एंड दे नो इट। इनफैक्ट जब हम लोग सिनेमा हॉल्स जाते हैं और वो लोग पेपर कप्स देते हैं हमें, मेरा बोथ माई चिल्ड्रन नो के ओ हो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। घर से मैं कप लेती हूँ, घर से मैं बॉटल लेती हूँ एंड दे नो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट ऑल दिस। सो अगर हर एक माँ अपने बच्चों को सिखाएगी कि ये आपको करना है तो आई कैन टेल यू एंड आई कैन अश्योर यू कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको अगर डिफरेंस नहीं महसूस होगा तो यू कैन चेंज माई नेम। इट्स अ मदर्स ड्यूटी टू टीच हर चिल्ड्रन बिकॉज वी आर गोना सेव मदर अर्थ एंड दिस इज आवर कंट्री। पहले मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 65 सालों में समुंदर का पानी आप मुंबई के तटों पर ऐसा काला हो गया है कि लोग उसके अंदर पैर भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि आज तक कभी भी भारत सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई थी कि कौन सा पानी समुंदर में जाएगा। तो जितना वेस्ट आता था वो वेस्ट चाहे इंडस्ट्रियल हो या होम यूज्ड हो या कमर्शियल हो, सब पूरा समुंदर में जाता था। पिछले 1.5 साल में महाराष्ट्र सरकार ने और भारत सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है कि समुंदर के अंदर जो पानी और वेस्ट जाएगा वो प्योरीफाई होके जाना चाहिए। ऐसे आप कोई भी वेस्ट फिल्टर, बिना फिल्टर वेस्ट आप उसमें नहीं डाल सकते हो। लेकिन आज बहुत अच्छा वर्सोवा के अंदर हमने देखा है, पिछले 5 साल से काफ़ी यूथ उसको बीच क्लीनिंग का काम कर रहा था, आज इतना सुंदर बीच है। तो ये आज लोगों की जागरूकता थी जो आज वर्सोवा का बीच इतना क्लीन हुआ है और मुंबई में सब बीचेस के प्रति काफ़ी यूथ आगे आया कि उसको क्लीन अप करने के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि वर्सोवा में आज वो अफरोज एक आज मिसाल है जिसने पूरे इंडिया ने उसको फॉलो किया। ऐसे ही ये मैंग्रोव और एनवायरमेंट और प्लास्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे इशू जो सरकार और सिटीज़न मिलके मुंबई को एक ग्रीन सिटी और मोदी जी का 2022 में
जो सपना है ग्रीन सिटी और क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया, ये सपना जरूर पूरा होगा। इसकी एक छोटी सी शुरुआत हम युवा और ये हमारे जो सेलिब्रिटीज जो आज लोगों का चेहरा है और लोग इनको फॉलो करते हैं, यहाँ से एक सोशल अवेयरनेस का प्रोग्राम की हम शुरुआत कर रहे हैं। ऑफ कोर्स